सभी का स्वागत। आज हम देखते हैं डाइबोरेन की संरचना, इसका सूत्र होता है B2H6। नाम है इसका डाइबोरेन। अपन ने अभी तक कई प्रकार के बंध देखे, पर इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी का बंध बने। तो ये बोरोन, और इधर देखें अपन, तो ये C2H6 यानी इथेन। तो ये C2H6 अगर इथेन है तो B2H6 जो डाइबोरेन है वो इस प्रकार से बन जाएगा सामान्य तौर पर। ये इस प्रकार से बन नहीं पाता, कारण उसका ये है कि इसका एटॉमिक नंबर है 5 और इसका एटॉमिक नंबर है 6 कार्बन का। और एक्साइटेड स्टेट में अपन ने कई बार देखा है कि इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो एक्साइटेड स्टेट में 4 है, वैसे सामान्य अवस्था में 2 है। और बॉन्डिंग भी अपन देखें तो ये sp3 संकरण वाली बात है, सिग्मा बॉन्ड है 4, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा। पर वहीं हम ये इसमें देखें तो 1s2, 2s2, 2p1 और ये हो गया हमारा 2sk2 और ये px py और pz, और ये p वाला और ये यहां जाए तो ये कुल मिला के रह जाएंगे इसमें 3। अब समस्या इसमें ये आ रही है कि किसके पास वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 बोरोन के पास। मान लो ये बोरोन नंबर 1 और ये बोरोन नंबर 2, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर अपन देखें तो हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन इसके पास भी, ये इस इधर के हाइड्रोजन है और कुल मिला के 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन के पास 3 और 3 6। तो ये B1 वाले 3 हाइड्रोजन 3 और ये B2 वाले 3 हाइड्रोजन, तो ये 3, ये टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए अनपेयर्ड 12। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए 12 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वहीं हम कार्बन के पास देखें तो 4 इसके पास, 4 इसके पास, यानी पहले कार्बन के पास 4, दूसरे कार्बन के पास 4 और पहले कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े उनके पास 3, दूसरे कार्बन से जो इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, ये हिस्सा हो गया अपना पूरा ए और ये हिस्सा हो गया बी। तो दूसरा कार्बन जो है उसके हाइड्रोजन जुड़े थे ये 3, तो 4 और 3 7 और 7 यहाँ और 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी संरचना प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर बन रहे केवल 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, ये बोरोन एक छोटा सा एडजस्टमेंट करें,
कि भाई प्रत्येक बोरॉन दो दो हाइड्रोजन से तो जुड़ गया है, अब जोड़ना है इसको भी एक हाइड्रोजन और इसको भी एक हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन की खपत कितनी हो गई, दो और दो चार और दो छह और दो आठ। अब बचे चार इलेक्ट्रॉन, उन चार इलेक्ट्रॉनों में इन दोनों हाइड्रोजन को भी जोड़ना है और अपने आप को भी जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे कि जैसे वही उदाहरण चल रहा अपना यात्रा वाला, कि मान लो अपन बस में जा रहे, बस खाली थी, एक एक जना आराम से बड़ी सीट पे बैठा, दो दो की सीट पे, अब बहु का नहीं, फिर सवारियां आती गई, भीड़ बढ़ती गई, दो की सीट पे दो को बैठना पड़ा, हुंड का नियम। लेकिन ये आब्बा और हुंड दोनों के नियम को ताक पे रखकर क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल एक लेडीज सभी दो दो की सीट पर तो बैठे, लेकिन एक लेडीज ने उसके बच्चे को भी उस सीट पर बिठा दिया। अब कंडक्टर कहता है कि भाई ये दो की सीट है, बच्चे को गोद में लो या फिर इसका टिकट लो, या तो इस आपके पास इलेक्ट्रॉन हो और या फिर इसको गोद में ले लो। तो इन्होंने क्या करा कि इन दो हाइड्रोजनों को यहां गोद में बिठा लिया, केवल दो इलेक्ट्रॉनों की मदद। एक बंद को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक बंद हमेशा दो परमाणुओं को जोड़ सकता है, पर एक बंद या दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणुओं को क्या से जोड़ेंगे। पर इन्होंने ऐसी व्यवस्था बिठाई कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही बंद के द्वारा तीन परमाणुओं को जोड़ दे, और ऐसे बंद को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड या सेतु बंद या बनाना बॉन्ड या 2E3C बॉन्ड। तो जहां C बराबर है नंबर ऑफ एटम्स, यानी इलेक्ट्रॉन दो और परमाणु तीन, या फिर एक और नाम इलेक्ट्रॉन न्यून बंद। तो कितने नाम हो गए इसके, ब्रिज बॉन्ड, सेतु बंद, बनाना बॉन्ड, 2E3C बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन न्यून बॉन्ड। यह है डाइवोलेंस।